मेरा नाम बीके रेवा है। मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं जीरकपुर से आई हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है आबू की महिमा। आबू में बदलती है हाथों की रेखा, आबू में बदलता है कर्मों का लेखा। गंगा भी नहाई, यमुना भी नहाई, सागर में भी जाके डुबकी लगाई। पर जहाँ धुलती है पापों की कालिख, वह चेतन गंगा तो देखी ना बाई। दुनिया की सारी नदियों को देखा, आबू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। काशी भी देखी, मथुरा भी देखी, सरयू किनारे अयोध्या भी देखी। पर जहाँ आए अलौकिक महाप्रभु, वह पुण्य भूमि तो तुमने न देखी। दुनिया में घूमा और दुनिया को देखा, आबू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तुमने कहा था प्रभु जब आएंगे, हम उनकी राहों में नैना बिछाएंगे। जो वे खिलाएंगे वही हम खाएंगे, जहाँ वे बिठाएंगे वहीं हम बैठेंगे। प्रभु आए और तुमने न देखा, प्रभु आए और तुमने न देखा, आबू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जगन्नाथ जी को मस्तक नवाया, श्रीनाथ द्वारे में भोग लगवाया। मंदिर में लक्ष्मी को चुनरी चढ़ाई, नारायण की भी स्तुति गाई। नर को नारायण मनाते न देखा, आबू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। पूर्व के विश्वनाथ, पश्चिम के सोमनाथ, दक्षिण के रामेश्वर, उत्तर के अमरनाथ। आबू में आए हैं साकार होकर, गोप गोपियों के आधार होकर। मधुबन में मुरली बजाते न देखा, आबू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। पांडव भवन में प्यारे मधुबन में, शिव बाबा आए हैं ब्रह्मा के तन में। अलौकिक पिता को देखा, आबू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अब भी समय है जागो रे भाई, विकारों की निद्रा को त्यागो रे भाई। वरना पछताओगे, आबू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बाबा से मिलन मनाते न देखा, आबू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ओम शांति।